Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine E-Tutor, Marine Engineering Lectures. This is our sixth lectures on marine purifier. In this lectures, I am going to discuss about one of the most important topic which is mostly asked, always asked and frequently asked by TME interviewers, and our topic is friction clutch in purifier. हम आज बात करेंगे purifier में हमारी friction clutch arrangement क्या होती है, उसकी functions क्या होती है, वो हमारे क्यों प्रोवाइड की जाती है, उसकी लोकेशंस कहाँ होती है प्यूरिफायर पे, इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर कमिंग टू दिस टॉपिक दैट इज फ्रिक्शन क्लच इन प्यूरिफायर, हम एक प्यूरिफायर की जनरल अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे. आई मीन हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट क्या होती है, वर्टिकल शाफ्ट क्या होती है, कैसे हमारी मोटर से पावर ट्रांसमिट होती है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे, कैसे हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शाफ्ट की हमारी मेसिंग होती है, वॉर्म एंड वॉर्म गियर व्हील हमारी अरेंजमेंट होती है, और कैसे हमारी वर्टिकल शाफ्ट हमारी प्यूरिफायर बॉल को रोटेट करती है, इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे. एंड देन हम इस टॉपिक पे आएंगे, दैट इज फ्रिक्शन क्लच इन प्यूरिफायर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जनरल अरेंजमेंट क्या होती है. तो सबसे पहले जो हमारी जनरल अरेंजमेंट होती है, हमारी सबसे पहले एक टर्म होती है मोटर. ओके, हमारी मोटर होती है, हम मोटर को हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई करते हैं, जिससे हमारी मोटर जो है अपनी रेटेड स्पीड पे इंस्टेंटली हमारी रेटेड स्पीड अचीव करती है, रेटेड स्पीड इंस्टेंटली. ओके नाउ, अब हमारी क्या होगी, मोटर को हम लोगों ने थ्री फेज सप्लाई किया, हमारी रेटेड स्पीड अचीव कर चुकी है. अब हमारी क्या होती है, मोटर जो होती है, मोटर जो भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की है, वो हमारी मैकेनिकल पावर कन्वर्ट हुई, पावर जो होगी वो हमारी ट्रांसमिट करती है फ्रिक्शन क्लच को. फ्रिक्शन क्लच अभी मैं जस्ट थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, पूरी कंस्ट्रक्शनल डिटेल डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं फंक्शंस भी बताऊंगा. हमारे फ्रिक्शन क्लच को ये पावर ट्रांसमिट करती है, एंड देन जो हमारी फ्रिक्शन क्लच जो हमारी शाफ्ट पे हमारी होती है, और वो हमारी क्या करती है, फ्रिक्शन क्लच जो है नेक्स्ट हमारी पावर ट्रांसमिट करती है हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को. नाउ आफ्टर दैट जो हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जो होती है, अब वहां पर हमारी क्या होती है, गियर व्हील अरेंजमेंट होती है. एंड गियर व्हील अरेंजमेंट जो होती है, अब हमारी वर्टिकल शाफ्ट की वॉर्म गियर के साथ हमारी मिस होती है. ओके, लाइक आप देख सकते हो, सपोज ये हमारी मोटर है एंड ये हमारी पावर ट्रांसमिट करती है हमारी सपोज फ्रिक्शन क्लच है. ओके, मैं बस रफ आइडिया आपको बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए ना. अब ये क्या है हमारी, ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है. अब हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में हमारी क्या होती है, यहां हमारी वॉर्म व्हील अरेंजमेंट होती है एंड ये हमारी वर्टिकल शाफ्ट होती है, एंड ये हमारी वर्टिकल शाफ्ट होती है, एंड वर्टिकल शाफ्ट में हमारी क्या होती है, वॉर्म गियर अरेंजमेंट होती है, और ये हमारी दोनों मेस होती है. ओके, गियर हमारी मेस हो चुकी है. नाउ यहां पर जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जो होती है, वहां पर हमारी बियरिंग अरेंजमेंट होती है. ओके, ताकि स्मूथ रोटेशन हो सके. एंड हमारी अदर साइड में हमारी गियर पंप अरेंजमेंट होती है, बट कुछ शिप्स के आप देख सकते हो जो प्यूरिफायर अरेंजमेंट जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शाफ्ट अरेंजमेंट होती है, तो वहां पर सेपरेट गियर अरेंजमेंट भी होती है. ओके, एंड कुछ कुछ में अटैच्ड गियर अरेंजमेंट भी होती है. एंड अब यहां पर हमारी क्या होती है, यहां पर हमारी ऑयल सील भी होती है. ओके, यहां पर भी हमारी ऑयल सील होती है ताकि हमारी जो ऑयल बाहर ना सके. ओके ना, अब हमारी क्या होती है, वर्टिकल शाफ्ट है. अब वर्टिकल शाफ्ट में भी हमारी क्या होती है, यहां पर हमारी बियरिंग होती है एंड हमारी स्प्रिंग भी होती है. हम बियरिंग होती है, स्प्रिंग यहां पर भी हमारी बियरिंग होती है एंड हमारी स्प्रिंग होती है. मींस यहां पर जो अपर पार्ट बियरिंग होती है, लोअर पार्ट भी बियरिंग होती है, अपर पार्ट हमारी स्प्रिंग होती है. अपर पार्ट हमारी जो स्प्रिंग होती है वो हमारी लीफ स्प्रिंग होती है. अब जो हमारी लीफ स्प्रिंग जो होती है, ये हमारी क्या करती है, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस होती है, ओके, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस होती है उसे ऑब्जर्व करती है. एंड जो हमारी लोअर एंड पे जो हमारी स्प्रिंग होती है, वो हमारी जो भी वर्टिकल थ्रस्ट जो होती है उसे ये ऑब्जर्व करती है. ओके, अब ये हमारी मेस होती है और आप देख सकते हो ये हमारी, अब आप देख सकते हो ये जो वर्टिकल शाफ्ट होती है, अब ये टैपर्ड होती है, अब ये टैपर्ड होती है, और यहां पर हमारी क्या होती है, प्यूरिफायर बॉल अरेंजमेंट होती है, और जो हमारी प्यूरिफायर होती है हमारी रोटेट करती है. मीन्स हमारी ये मोटर है, मोटर ने हमारी जो पावर ट्रांसमिट हमारी कैसे कर रही है, फ्रिक्शन क्लच को कर रही है. फ्रिक्शन क्लच के मैं फंक्शंस पर भी आऊंगा, बताऊंगा डिटेल कंस्ट्रक्शनल. फिर फ्रिक्शन क्लच जो हो रही है अपनी पावर ट्रांसमिट किसे कर रही है,
मींस हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को हमारी ग्रेजुअल रोटेट करा रही है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। अब हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एंड वर्टिकल शाफ्ट में हमारी गियर मिस हो रही है, मींस हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट की वॉर्म व्हील एंड हमारे वर्टिकल शाफ्ट की वॉर्म गियर हमारी मिस हो रही है, जिसके चलते हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जो हो रही है वर्टिकल शाफ्ट को रोटेट करा रही है एंड हमारी वर्टिकल शाफ्ट जो होती है हमारे प्यूरिफायर बोल को हमारी रोटेट कराती है। तो हमारी बेसिक अरेंजमेंट होती है, मैंने डायग्राम क्लियर नहीं बताया, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं बस ये रफ डायग्राम आपको बताया हूं। ओके, आप रेफरेंस गूगल से आप ले सकते हो, गूगल में बहुत क्लियरली अच्छे से डायग्राम दी गई होगी। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन क्लच की। अब हमारी फ्रिक्शन क्लच अरेंजमेंट होती क्या है, इसके फंक्शंस क्या होती है, और ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछे गए हैं टीएमई इंटरव्यू में, मींस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्लच इन प्यूरिफायर, व्हाई फ्रिक्शन क्लच इज प्रोवाइडेड इन प्यूरिफायर, ये सारी ऐसी क्वेश्चंस टीएमई इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हमारी फ्रिक्शन क्लच क्या होती है, फ्रिक्शन क्लच की हमारी फंक्शंस क्या होती है, फ्रिक्शन क्लच विच इंश्योर द स्मूथ स्टार्टिंग ऑफ द प्यूरिफायर बॉल, फर्स्ट फंक्शन हमारी ये होती है। सेकेंड फंक्शन हमारी क्या होती है, फ्रिक्शन क्लच Which prevent the load starting on the motor, यह हमारी second functions होती है। यह मैं दोनों को आपको अच्छे से friction clutch की पूरी arrangement बना रहा हूं। तो सबसे पहले हमारी shaft में हमारी friction boss mounted होती है। Okay, तो यह हमारी आप देख सकते हो, यह हमारी friction boss है। यह हमारी friction boss होती है। Okay. ये हमारी फ्रिक्शन बॉस कुछ इस तरह होती है। ये हमारी शाफ्ट के ऊपर ये हमारी माउंटेड होती है हमारी फ्रिक्शन बॉस, ये हमारी शाफ्ट है। ओके, नाउ अब फ्रिक्शन बॉस में आप देख सकते हो हमारी स्लॉट प्रोवाइड होती है। तो यहां आप देख सकते हो ये हमारी स्लॉट प्रोवाइड होती है। ओके, ये हमारी स्लॉट प्रोवाइड की गई है। अब ये हमारी स्लॉट्स जो है यहां पर हमारी क्या होती है, फ्रिक्शन माउंट होती है, फ्रिक्शन पैड माउंट होती है, और हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन क्लच हमारी माउंट होती है। तो ये जो हमारी होती है फ्रिक्शन क्लच होती है कर्व शेप में हमारी थोड़ी होती है, ये हमारी फ्रिक्शन क्लच माउंट हमारी यहां पर होती है। तो ये जो नंबर ऑफ स्लॉट्स होती है या नंबर ऑफ फ्रिक्शन क्लच होती है वो हमारी डिपेंड करती है प्यूरिफायर पे, मींस हमारी आप इंस्ट्रक्शन बुक पे हमारी देख सकते हो हमारी कितनी नंबर ऑफ प्यूरिफायर क्लच होगी, मींस जितनी हमारी यह स्लॉट्स होगी वहां पर हमारी ये जो हमारी फ्रिक्शन क्लच है यहां पर हमारी ये स्लॉट्स पे हमारी ये बैठती है, सिट करती है। ओके, ये हमारी फ्रिक्शन क्लच जो है ये हमारी क्या है, फ्रिक्शन क्लच है, और ये हमारी फ्रिक्शन क्लच जो है हमारी स्लॉट पे हमारी सिट होती है। ओके, और ये हमारी जो होती है फ्रिक्शन बॉस है, ये जो है हमारी फ्रिक्शन बॉस है और ये हमारी शाफ्ट है ना। अब हमारी क्या होती है, हमारी यहां पर मोटर है, मोटर को हम लोगों ने थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड किया, मींस हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एंड हमारी क्या होती है शाफ्ट जो होगी हमारी रोटेट करेगी, मींस हमारी शाफ्ट पर हमारी फ्रिक्शन बॉस माउंटेड है, फ्रिक्शन बॉस हमारी क्या है सर्कुलर, मींस सर्कुलर से फेस की, तो हमारी शाफ्ट पे हमारी फ्रिक्शन बॉस माउंटेड है तो हमारी क्या होगी शाफ्ट फ्रिक्शन बॉस भी रोटेट करेगी। ओके, क्योंकि हमारी मोटर को हम लोगों ने पावर प्रोवाइड किया, अब मोटर जो है हमारी क्या की पावर ट्रांसमिट हमारी ये शाफ्ट को की, अब हमारी शाफ्ट में हमारी क्या है फ्रिक्शन बॉस माउंटेड है, अब फ्रिक्शन बॉस हमारी क्या होगी रोटेट करेगी, मींस अब हमारी क्या होगी जो हमारी फ्रिक्शन क्लच सिटिंग पोजीशन पे है, नाउ ये जो हमारी फ्रिक्शन क्लच जो है ये हमारी सिट पोजीशन पे है, अब ये हमारी फ्रिक्शन बॉस रोटेट करेगी तो जो हमारी फ्रिक्शन क्लच जो है हमारी क्या होगी यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट होगी हमारी फ्रिक्शन क्लच पे, जिससे हमारी फ्रिक्शन क्लच क्या होगी जो हमारी स्लॉट की जो जिस स्लॉट पे है सिटिंग पोजीशंस पे वो फ्लाई ऑफ होने की ट्राई करेगी। ओके, मींस हमारी मूव आउटवर्ड, ये हमारी फ्रिक्शन क्लच आउटवर्ड मूव होगी, व्हाई क्यों हमारी आउटवर्ड मूव हो रही है, क्योंकि हमारी क्या हो रही है फ्रिक्शन बॉस हमारी रोटेट कर रही है, जो हमारी सेंट्रिक फ्रिक्शन बॉस हमारी रोटेट कर रही है एंड फ्रिक्शन क्लच हमारी स्लॉट पे हमारी सिटिंग पोजीशन पे है। अब अगर हमारी ये चीज को सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी रोटेशन तो हमारी क्या होगी ये फ्रिक्शन पैड पे हमारी क्या होगी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट होगी, जिसके चलते हमारी फ्रिक्शन क्लच जो होगी आउटवर्ड मूव होगी, मींस हमारी फ्लाई ऑफ होगी।
Now, अब ये अरेंजमेंट जो होती है हमारी फ्रिक्शन ड्रम के अंदर हमारी इसे इंसर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मैं यहां पर फ्रिक्शन ये जो हमारी होगी ये हमारी फ्रिक्शन ड्रम होगी। ये हमारी फ्रिक्शन ड्रम होती है। ओके, अब ये जो हमारी फ्रिक्शन बोस अरेंजमेंट जो आपको दिखाया विथ क्लच, ये हमारी इस पे हमारी माउंट मींस इंसर्ट होती है। ओके, मैं आपको आपको शो करता हूं, ये हमारी इंसर्ट होती है। ये आप देख सकते हो ये हमारी शाफ्ट ना। तो अब इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, आप देख सकते हो हमारी फ्रिक्शन बोस है, मैं आपको बता दिया मोटर को हम लोग ने थ्री फेज सप्लाई किया, हमारी पावर ट्रांसमिट हुई, अब हमारी फ्रिक्शन बोस जो हो रही है हमारी रोटेट कर रही है और ये हमारी इसके अंदर इंसर्ट है। आप समझो ये हमारी इंसर्टिंग पोजिशन पे है, फ्रिक्शन ड्रम के अंदर ये हमारी इंसर्ट है ना। अब हमारी क्या है फ्रिक्शन क्लच जो है इस स्लोट पोजिशन पे हमारी सिटिंग पोजिशन पे ना। अब हमारी क्या होगी बोस रोटेट करेगी इसके अंदर फ्रिक्शन ड्रम के अंदर तो हमारी क्या होगी फ्रिक्शन क्लच को सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड होगी। अब जिसके चलते अब हमारी फ्रिक्शन क्लच जो होगी हमारी जो इंटरनल सरफेस जो होगी फ्रिक्शन ड्रम की उस पे हमारी फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। ओके, अब हमारी उस पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी जिसके चलते ड्यू टू फ्रिक्शन हमारी क्या होगी जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होगी वो हमारी रोटेट करना स्टार्ट करेगी। ओके, व्हाई क्यों रोटेट करेगी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, क्योंकि हमारी फ्लाई फ्रिक्शन क्लच जो होगी हमारी फ्लाई ऑफ होगी एंड हमारी इंटरनल सरफेस, क्योंकि इसे अगर हम इंसर्ट करेंगे तो जो हमारी फ्रिक्शन क्लच जो फ्लाई ऑफ होगी तो इसके इंटरनल सरफेस पे हमारी फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। सो ड्यू टू फ्रिक्शन हमारी क्या होगी फ्रिक्शन ड्रम भी हमारी रोटेट करेगी एंड अगर हमारी फ्रिक्शन ड्रम रोटेट करेगी तो हमारी ग्रेजुअली हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को भी रोटेट करेगी। अगर हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट रोटेट होगी तो मैं आपको पहले बता दिया था हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जो होगी वहां पर हमारी गियर व्हील है एंड हमारी वर्टिकल शाफ्ट में हमारी वर्म गियर है, मींस हमारी वर्म गियर एंड वर्म व्हील अरेंजमेंट है, तो जिससे हमारी क्या होगी वर्टिकल शाफ्ट भी ग्रेजुअली रोटेट करेगी, जिससे हमारा जो प्यूरिफायर बॉल जो है वो हमारी ग्रेजुअली रोटेट करेगी। नाउ मार्क माय वर्ड, मैंने एक टर्म यूज किया ग्रेजुअली, क्यों क्या मैंने टर्म यूज किया ग्रेजुअली, मींस हमारी क्या है फ्रिक्शन ड्रम भी हमारी ग्रेजुअली रोटेट करेगी एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ फ्रिक्शन ड्रम हमारी क्या होगी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट भी हमारी ग्रेजुअल हमारी रोटेट कर रही है एंड ड्यू टू मींस हॉरिजॉन्टल शाफ्ट ग्रेजुअल रोटेट कर रही है तो हमारी वर्टिकल शाफ्ट वो वर्म एंड वर्म गियर व्हील अलाइनमेंट है तो हमारी ग्रेजुअल रोटेट करेगी और हमारी जो प्यूरिफायर भी होगी हमारी ग्रेजुअल रोटेट करेगी। तो क्यों, तो ये जो हमारी ग्रेजुअल रोटेशन है यही हमारी प्रिवेंट करती है ऑनलोड स्टार्टिंग ऑन द मोटर। सपोज हम लोगों ने फ्रिक्शन क्लच नहीं लिया, हमारी जो मोटर जो है डायरेक्ट हमारी शाफ्ट से कपलिंग है, हमारी मोटर जो है हमारी डायरेक्ट शाफ्ट से कपलिंग है। इससे पहले हमारी क्या हो रही थी मोटर जो थी, ओके मोटर जो थी हमारी शाफ्ट पे लगी फ्रिक्शन बोस के साथ अटैच थी, तो मोटर जो है डायरेक्टली हमारी फ्रिक्शन क्लच को हमारी पावर ट्रांसमिट कर रही थी। नाउ इन दिस केस हमारी मोटर जो है डायरेक्टली शाफ्ट से कपल है, अब हमारी क्या होती है मोटर स्टार्ट करते हैं, हमारी मोटर जो इंस्टेंटली रेटेड स्पीड अचीव करती है। अब नाउ अब हमारा क्या होता है इंस्टेंटली अगर ये रेटेड स्पीड अचीव करती है तो हमारी क्या होती है सडन लोड हमारी क्या होती है हॉरिजॉन्टल वर्म व्हील पर हमारी सडन लोड हमारी वहां पर इंपैक्ट होती है, मींस हमारी सडन लोड क्रिएट होती है, इससे हमारी क्या हो सकती है गियर डैमेज भी हो सकती है। हमारी ग्रेजुअल लोड हमारी व्हील पे तो नहीं जा रही है, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल व्हील एंड वर्टिकल गियर है हमारी क्या हो रही है हमारी फ्रिक्शन क्लच थी तो हमारी क्या हो रही थी ग्रेजुअल हमारी लोड जा रही थी, बट हमारी यहां पर क्या होगी सडन लोड इंपैक्ट होगी हमारे गियर पे जिससे हमारी गियर डैमेज हो सकती है। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, अब हमारी रेटेड स्पीड जल्दी अचीव कर ली मोटर जैसे हमने स्टार्ट किया, अब इससे हमारी क्या होगी हमारी मोटर ओवरलोड भी हो सकती है,
मीन्स हमारी ओवरलोड हो सकती है, अब जिससे हमारी क्या होगी, मोटर ट्रिप हो जाएगी। ओके, तो हमारी जो फ्रिक्शन क्लच जो होती है दो चीजें इंश्योर करती है, फर्स्ट थिंग विच स्टार्ट दी मीन्स ग्रेजुअल स्टार्ट ऑफ द प्यूरिफायर, सेकेंड थिंग प्रिवेंट दी ऑनलोड स्टार्टिंग ऑन द मोटर। अब हमारी ऑनलोड स्टार्टिंग ऑन द मोटर हमारी क्या होती है, जैसे हमारी मोटर को हम लोग करंट सप्लाई करते हैं, थ्री फेज मीन सप्लाई करते हैं, तो हमारी हाई स्टार्टिंग करंट होती है। क्यों हाई स्टार्टिंग करंट होती है, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने मोटर को थ्री फेज सप्लाई किया, अब हमारी इस कंडीशन पे हमारी स्लिप मैक्सिमम होती है। क्यों स्लिप मैक्सिमम होती है, क्योंकि एट स्टार्टिंग ड्यूरिंग स्टार्टिंग हमारी रोटर जो होती है हमारी स्टैंड स्टिल पोजिशन पे होती है, मीन्स हमारी जो स्लिप जो होती है वो हमारी ns माइनस n होती है, और जो हमारी ns है ये हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड है, और जो हमारी n है ये हमारी रोटर स्पीड है। तो हमारी इनिशियली जो हमारी रोटर स्पीड जो होती है एंड हमारी रोटर जो होती है वो हमारी स्टैंड स्टिल पोजिशन पे होती है, मीन्स हमारी रोटर स्पीड हमारी जीरो होती है, एंड इनिशियली स्लिप इज इक्वल टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड एंड हेंस स्लिप इज मैक्सिमम, एंड इफ स्लिप इज मैक्सिमम स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग करेंट। अगर हमारी स्लिप मैक्सिमम होगी तो हमारी स्टार्टिंग करेंट मैक्सिमम होगी, तो इससे हमारी क्या होती है, एट ड्यूरिंग स्टार्टिंग हमारी ओवरलोड होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, जिससे हमारी मोटर ट्रिप कर सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन क्लच प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, जो भी हमारी मोटर की जो हमारी मोटर से जो हमारी मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी ग्रेजुअली हमारी ये क्या करती है, फ्रिक्शन क्लच जो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल मींस हमारी फ्रिक्शन क्लच जो होती है जो या अरेंजमेंट है हमारी फ्रिक्शन ड्रम को प्रोवाइड करती है, फ्रिक्शन ड्रम हमारी ग्रेजुअली रोटेट होना स्टार्ट करती है, वो हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को ग्रेजुअली रोटेट कराती है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट हमारी वर्टिकल शाफ्ट को ग्रेजुअल रोटेट करती है, जिससे हमारी ग्रेजुअल लोड मींस हमारी ग्रेजुअल लोड हमारी क्या हो रही है, गियर पे आ रही है, सो हमारी गियर डैमेज नहीं होगी, और जो हमारी ग्रेजुअली हमारी उसकी आरपीएम इंक्रीज हो रही है। अब हम बात करें अगर स्मॉल प्यूरिफायर की बात करें, स्मॉल प्यूरिफायर की अगर हम बात करें तो जो हमारी रेटेड स्पीड जो होती है बॉल की, जो हमारी रेटेड स्पीड वो हमारी 5 मिनट लगती है। ओके, अगर हम लार्ज प्यूरिफायर की बात करें तो जो रेटेड स्पीड अचीव वो करती है 10 मिनट तक में रेटेड स्पीड अचीव कर लेती है प्यूरिफायर को। तो ये हमारी फ्रिक्शन क्लचिंग प्यूरिफायर थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार ये टीएमए इंटरव्यू में पूछी गई है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन आप को ये बोलना है, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछती है व्हाट इज फ्रिक्शन क्लच इन प्यूरिफायर, तो आपको इसे ऐसे बताना है, फ्रिक्शन क्लच इन प्यूरिफायर विच इंश्योर द स्मूथ स्टार्टिंग और स्मूथ रोटेशन ऑफ प्यूरिफायर एंड सेकंड फंक्शन इज टू प्रिवेंट द ऑनलोड स्टार्टिंग ऑन द मोटर। ओके, आपको ये डेफिनेशन आपको ये बोलनी है। तो ये हमारा आज की टॉपिक थी, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।